यूपी बीजेपी महिला मोर्चा के अवध क्षेत्र की पदाधिकारियों का आज बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में महिला विधायक, महिला सांसद और महिला मंत्रियों को साथ साथ महिला पदाधिकारी भी अवध क्षेत्र की इस बैठक में शामिल हुई। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में शामिल हुए। आगामी आने वाले जो कार्यक्रम है उनको लेकर रूपरेखा इस बैठक में तैयार की गई है कि 33% का केंद्र सरकार से जो आरक्षण मिला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा है वो आधी आबादी के पास जाएंगी और महिलाओं से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं वो चाहे केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो जन जन तक पहुंचाना और आधी आबादी से संपर्क कर अब भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की एक कवायद शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का मिशन महिला मोर्चा कितना कामयाब हो पाती है। फिलहाल आने वाला 2024 का परिणाम ही तय करेगा। कैप्टन आशीष के साथ रूपसी जनता टीवी लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज प्रतापगढ़ में हैं। प्रतापगढ़ में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बूथ स्तर पर कैसे मजबूती की जाए इसको लेकर मंत्र दिया अखिलेश यादव। इसके बाद अंबेडकर नगर में इस तरह का ही शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं जहां पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वो बातचीत करेंगे। इसके पहले सीतापुर और लखीमपुर में भी शिविरों का आयोजन हो चुका है। खास बात है कि इन शिविरों की कमान सुखपाल सिंह यादव को सौंपी गई है जहां पर वो जो जोश भरने का काम है वो सुखपाल सिंह यादव की तरफ से किया जा रहा है। घोसी उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी में एक हौसला जरूर बढ़ा है कार्यकर्ताओं में। इसके अलावा जिस तरह से गठबंधन का ऐलान हुआ और 80 सीटों पर चुनौती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए, लेकिन साथ में लड़ने की जहां तक कवायद है इसके पहले मध्य प्रदेश के चुनाव है। अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे के बाद मैदान में नजर आ सकती है। लेकिन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत है इसको लेकर मंथन जारी है। करीब 25 सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को वहां पर प्रत्याशी बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि गठबंधन किस तरह से तैयार होता है और सीटों का बंटवारा कैसे होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पूरे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी नजर आ रही है और लगातार शिविरों का आयोजन हो रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। दिल्ली आबकारी नीति में बीते दिनों संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। आपको बता दूं कि संजय सिंह यूपी प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी को राज्यसभा सांसद हैं। लगातार देखा जा रही है गिरफ्तारियां भी गिरफ्तारी और आबकारी नीति को लेकर तमाम बवंडर मचा हुआ था। अपर मुख्य सचिव जो दिल्ली के थे उन्होंने इसको लेकर तमाम आरोप लगाए थे। इसके बाद देखा गया कि राज्यपाल ने सीबीआई को तक ये केस भेजा और सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसके बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया। हालांकि अब तक देखा जाए तो 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं इसमें और जिसमें मनीष सिसोदिया भी शामिल है और सत्यत्र जैन भी। और इसके बाद देखा जा रहा है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी ने भूत चाल ला दिया है। आपको बता दूं कि तमाम इंडिया गठबंधन के जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर है और खासतौर पर दिल्ली की राजधानी में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती नजर आती है करते नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है तमाम विपक्षी पार्टियों का एक ही सवाल है, कहीं जवाब मांग रही है कि आप बताइए कि तानाशाही रवैया कैसे अपनाई जा रही है। क्या एक लोकतंत्र में ये जायज है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को उठाकर जेल में भर दिया जाए। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियों के तमाम प्रतिनिधि तैयार है कि आप जेल में भरिए। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था तमाम मंत्रियां अलग अलग बैठ कर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनका विरोध प्रदर्शन भी है। उनका साफ तौर पर कहना कि बताइए कि संजय सिंह के घर से आपको क्या क्या मिला, कितने सोने के बिस्किटें मिली, कितनी नकदी मिली। तमाम अतिथि जो कि शिक्षा मंत्री वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लगातार तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों को और तमाम नेताओं को चुनौती भी देती नजर आ रही है। हालांकि अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको कहीं ना कहीं आभास हो गया है, उसको हार का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगी ईडी और सीबीआई के जरिए वो अपनी तानाशाही रवैया को और बढ़ाते जा रही है। कहीं ना कहीं वो जनाधार का कहीं ना कहीं अन्याय कर रही है। अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं कि 100 करोड़ की आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आ गई है और 2024 में लोकतंत्र से उनका अब विदाई हो जाएगा। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो ईडी सीबीआई वीएस आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस होता है या तमाम पार्टियां आमने सामने आकर लड़ाई लड़ती है। कैमरा शिक्षक के साथ मैं जयसंदी जनता टीवी लखनऊ। 3 अक्टूबर से संचारी रोग अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि घर घर जाकर के साफ सफाई का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 16 अगस्त को दस्तक अभियान की भी शुरुआत होगी। और आपको बताऊं कि ग्रामीण इलाकों के पीएससी और सीएससी पे जो है कि परिसरों में जो है कि बरसात के चलते जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और वहां पे जो है कि जल जमाव के चलते जो है कि मलेरिया के मच्छर भी
का भी पैदावार होगा, जिससे कि बीमारियां भी पैदा होगी, और ऐसे में जो है कि रोग पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल सा है। और ऐसे में जो है कि संचारी रोग की अभियान की सफलता कैसे मिल सकती है, ये भी एक सवाल है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए गाजीपुर। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत निकाली गई यातायात जागरूकता रैली आपको बताते चले। जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के असालगंज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फैजयाम महाविद्यालय से छात्रों ने जागरूकता रैली निकाली, जिसमें यातायात विषय पर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं जागरूकता रैली ग्रामीण आचरों के गाँव में पहुंचे, जहाँ पर लोगों को हेलमेट सीट बेल्ट लगाने के विषय पर जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि किस तरीके से लोग हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं और बिना हेलमेट के लोग वाहन चलाते हैं और गाड़ी चलाने के दौरान कभी भी सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनके परिजनों को भी उन सड़क दुर्घटना का खमियाजा झेलना पड़ता है और घर का चिराग बुझ जाता है। इस दौरान असलंग चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र मलिक हुआ पुलिस बल भारी मौजूद रहा, जहां पर उन्होंने बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चला रहे बाइक सवारों को रोककर हिदायत दी कि हेलमेट लगाना कितने जागरूकता का काम है और इससे कितने फायदे हैं। अगर बिना हेलमेट के आप गाड़ी चलाते हैं और किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं तो मौत के मुंह में समाने से देर नहीं लगेगी। वहीं पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फैजयाम विद्यालय के संरक्षक असद ने बताया कि जागरूकता रैली का एक दिवसीय कार्यक्रम आज चलाया गया, जहां पर सड़कों पर से बिना हेलमेट लगाए वाहन चालकों को हिदायत दी गई और उन्हें जागरूक किया गया कि हेलमेट लगाना कितना जरूरी है। साथ ही गाड़ी जो चार पहिया चला रहे उन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की जानकारी दी गई और यातायात विषय पर जागरूक किया गया, जिसमें छात्रों ने प्रतिभाग करते हुए बड़े ही जोर खरोश के साथ यात्रा निकालते हुए लोगों को यातायात विषय पर जागरूक किया। आप देखना ये होगा कि जिस तरीके से विद्यालय के छात्र यातायात नियमों के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस जागरूकता का असर कितना वाहन चालकों पर पड़ता है। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात। योजना के तहत शहर भर में सिविल लाइन पर डाली जा रही थी और यही कारण था कि पूरे शहर में खुदाई कर रखी गई थी और लगभग एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक योजना के तहत जो भी खुदाई हुई थी उन खुदाइयों पर अभी तक ना ही काम हो पाया है और ना ही वो रोड सड़कें सही से मरम्मत हो पाई हैं। जीता जाता उदाहरण आपको जेल रोड है, आप तस्वीरों में साफ दे सकते हैं कि वही जेल रोड है जो अपने समय में एक अच्छी रोड हुआ करती थी और इसी जेल रोड पर अक्सर जनप्रतिनिधियों का और वीआईपीओं का आना जाना लगा रहता है। अधिकारी भी इसी रोड से अक्सर भ्रमण किया करते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस सड़कों को आप साफ साफ देख सकते हैं कि सड़कों पर अभी धूल गर्दा गुबार ही नजर आ रहा है, जिससे आसपास के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दमे के शिकार हो चुके हैं। अभी प्रभारी मंत्री का हाल ही में दौरा हुआ था, प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला से इस बाबत जब बात की गई तो प्रतिभा शुक्ला ने यह साफ कहते हुए कहा कि धूल कहां पर है, अभी तो बरसात हो रही है, आप धूल की बात कहां कर रहे हैं, और हर काम में थोड़ा सा समय लगता है, समय आने दीजिए, समय आते ये चीजें ठीक हो जाएंगी। अब देखने वाली ये बात हो गई कि दो साल लगभग होने को हैं, अभी तक अमृत योजना के तहत जो खोदी गई सड़कें हैं वो मरम्मत नहीं हो पाई हैं और वो ठीक नहीं हो पाई हैं, तो कितना और समय लगेगा और इस समय के बीच में समय के अंतराल में जो क्षेत्रवासी हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं दमे के शिकार हो रहे हैं, ये परेशानियों से लगातार जूझ रहे हैं और इसको सुध लेने वाला कोई भी अब तक नहीं है। जनता टीवी के लिए आफ्ताब खान की रिपोर्ट। हाईवे स्थित नानू नहर पर सिंचाई विभाग की जगह पर अतिक्रमण काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है, जिसको लेकर आज प्रशासन जाग गया। जिला अधिकारी ने इस अतिक्रमण को हटाने के लिए सक्षम अधिकारियों को भेजा और वहां बिल्डोजर चलाकर उस अतिक्रमण को हटाया गया। बताया जाता है कि 31 लोगों को अब तक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 31 लोगों को अतिक्रमण मुक्त कराकर सिंचाई विभाग की जमीन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द की गई है। वहीं जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अतिक्रमण किए हुए थे उनसे कुछ लोगों से सिंचाई विभाग के कुछ लोग जो है महीनादारी वसूली किया करते थे। वहीं इस संबंध में जब सिंचाई विभाग के अधिकारी एवं सक्षम अधिकारियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कैमरे से सामने बोलने से साफ इनकार कर दिया। अलीगढ़ से जनता टीवी की रिपोर्ट। योगी सरकार एक तरफ तो गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ रोड जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। बात करते हैं, एक रोड है जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये दातागंज से मचलई के लिए जाता है, इससे लगभग एक दर्जन गांव जुड़े हुए हैं। लगभग एक दर्जन गांव के लोगों का इस रोड से आना जाना होता है। लगातार हादसे भी इस रोड पर हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग की तरफ से अभी तक इस रोड को सही नहीं कराया गया है। आखिर
लोक निर्माण विभाग या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए भी कोई भी संज्ञान नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि प्रशासन इस पर कब तक एक्शन लेता है और कब तक ये रोड सही कराता है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। इलाहाबाद जनपद के तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं जनपद के थाना एग्जिट क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार आ रहे ट्रक ने करीब आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया, जिसकी दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार जो हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं थाना प्रभारी दीपक कुमार सूचना पर मौके पर पहुंचे, जिन्हें घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो थाना प्रभारी दीपक कुमार आए दिन लगातार ऐसे सराहनीय कार्य मौके पर सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि इनका जिस तरीके से सराहनीय कार्य देखा जा रहा तो बहुत ही लोग उनको प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ऐसे समय पर ऐसे एक दुखद घड़ी पर पूरी तरीके से थाना प्रभारी मौके पर पहुँचते हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो तेज़ रफ्तार का कहर जहाँ एक दिल पेट्रोल पंप का ये अनियंत्रण जो मोड़ माना जाता है काफ़ी दुखद मोड़ है, क्योंकि यहाँ कई बार हादसे हो चुके हैं। लगातार स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक पेड़ पौधे होने के कारण कोई भी ट्रक दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण आए दिन लगातार हादसे होते हुए, क्योंकि पिछली वर्ष भी यहाँ एक टेम्पो में अनियंत्रण होकर ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। अब देखना होगा कि आखिर इस तरीके के हादसों पर कैसे नियंत्रण लगेगा, क्योंकि यहाँ आए दिन लगातार ये खूनी सड़क भी कहा जाए या फिर लोगों का यहाँ जिस तरीके से हादसे में मौत होना एक बहुत ही समस्या बनी हुई है। अब देखना होगा आखिर तेज रफ्तार का कहर या फिर यहाँ अत्यंतर मोड़ को किस तरीके से समाधान किया जाएगा, क्योंकि आए दिन लोगों की जान जा रही है। कैमरामैन विश्वजीत राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। प्रयागराज में जहां भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पर है, ऐसे में लगातार एयरफोर्स के जवान अभ्यास कर रहे हैं और आसमान में एक से एक लड़ाकू विमान उड़ते हवा भरते दिखाई दे रहे हैं। बता दें जहां कल फाइनल अभ्यास का दौर होगा और संगम तट पर कई लड़ाकू विमान इस पर अभ्यास में शामिल होंगे और एयरफोर्स के जवान यहां पर अपने विमान उड़ाएंगे और एक भव्य नज़ारा होगा 6 तारीख को। और वहीं 8 तारीख को 91वें स्थापना दिवस पर जहां राष्ट्रपति समेत कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य नज़ारा होगा अगर संगम की रेती पर, जहां प्रयागराज के वासी भी पहुंचेंगे और यहां पर एयर शो का नज़ारा देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पहली बार 91वें स्थापना दिवस पर रफाइल को भी शामिल किया जाएगा और लोग आम जनता रफाइल को अपने आंखों से करीब से देख सकेगी और एयर शो का लुत्फ उठा सकेगी। प्रयागराज में इसकी तैयारी भारतीय वायुसेना की ओर से पूरी कर ली गई है और अब 6 तारीख और 8 तारीख को इसका भव्य नज़ारा लोग देख सकेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।